Good morning, my baby, my cutie pie, my baby. Good morning, guys. सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और मैं सबसे पहले इसको देखने आई हूँ. Good morning, my बुच्चू बुच्चू. आज का ब्रेकफास्ट मेरा ये है, सैंडविच मैंने बनाया है, इसमें अनियन, टमाटर और ये मेयोनीज, घी वगैरह वगैरह सब कुछ यूज करके बनाया गया है. तो अब हम इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. तो मैं रेडी हो रही हूँ एंड आज मेरी जो एसेसरीज है वो ये होने वाली है. ये मेरी ड्रेस है, अभी मैं प्रॉपर आपको लुक दिखाऊंगी. मैंने सारा कुछ निकाल के रखा हुआ था बट ये मैंने फाइनल किया है जो इससे मैच कर रहा है एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ रेडी होने के बाद. सो गाइज, ये है मेरा आज का आउटफिट जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज कैरा एंड वेलकम. अब मैं जा रही हूँ आज भी दिन में बाहर, क्योंकि यार रोज शाम को अंधेरे में निकल के तो कोई फायदा है नहीं. कितना ही मैं अंधेरे में आपको क्या ही दिखा दूंगी. तो आज मैंने सोचा है कि दिन में हम चलते हैं कोई शॉपिंग वगैरह, कुछ तो करते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या है यहाँ मार्केट में, कैसा सीन है. दिल्ली से आते हुए ये कवर लिया था 250 रुपए का जल्दी में. इसके पॉलिथिन में देखो क्या लिखा है, 15 Pro Max. ये है मेरा रियल कवर, ये 2000 रुपए का कवर है. इसके ऊपर देखो ये मेरे फोन का है. अब इसके ऊपर ये कवर लगा रही हूँ, उसका कैमरा देखो, बॉडी तो इसकी साइज की बनाई है, कैमरा किस फोन का है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा पागल है ना मेरा, ये कहीं लगाने लायक नहीं रहा ये. चुकी हूँ डेरा मार्केट में शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे ज्यादातर मुझे यहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट ही नजर आ रहा है. तो अगर मेरे टाइप का मुझे कुछ मिलता है तो मैं जरूर लूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी क्या है. इसकी अंदर गलियाँ गलियाँ जाती है, ये साइड आप देखोगे तो यहाँ पे भी गलियाँ गलियाँ जा रही है. तो एक दो गलियों से तो मैं निकल के आ गई हूँ बट मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं अब आगे जा रही हूँ. धूप बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा. तो गाइज मुझे आईफोन भी देखना था तो वो रेट पता करते हैं यहाँ पे क्या है. कितने जीबी चाहिए? 128 और 256 बता दो. गाइज यहाँ पे आईफोन इतने सस्ते हैं, सब कुछ बहुत महंगा है लेकिन फोन यहाँ इतना सस्ता है. PS5 इतना सस्ता है मैं क्या बताऊँ. बट PS5 का मुझे कोई शौक नहीं है, फोन का है तो वो शायद मैं लेके जाऊंगी. अभी मैं अपने भाई से बात करूंगी उसके बाद, क्योंकि मैं सिम ऑन नहीं है, मतलब सिम ऑन है बट चल नहीं रही है मतलब बात नहीं हो रही है. और फिलहाल कार्ड मैंने ले लिया है उनका, तो मुझे यहाँ पे कैश करेंसी उठानी पड़ेगी इनकी, तभी मैं ले पाऊंगी वो फ़ोन. और अभी लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, गुलाबी चश्मे में कहाँ जा रही है गुलाब. वो अब मैं आ गई हूँ शूज़ की शॉप पे स्लीपर देखने. थोड़ा डर के शूट करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ मेरे को डर लगता है कोई टोक ना दे, मुझे शर्म आ जाएगी कोई मुझे टोक देगा. तो मैं लुबान देख रही हूँ, मेरा भाई बहुत पसंद करता है इसको घर पे जलाने के लिए, इससे बहुत खुशबू हो जाती है घर में. सो गाइस एक ये मैंने ले लिया है, इसको यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं बुखूर और ये है 85 दिरहम का. मैं आ गई हूँ कैब में, थक गई हूँ बहुत, धूप में भटक भटक के शर्ट पहन के घूम रही थी. सो गाइस कैब में मैं बैठ चुकी हूँ और ये 2-3 चीज़ें मैंने ली है यहाँ से, जो मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ शर्ट पहन के घूम रही थी, क्योंकि टैनिंग हो जाती, बहुत गंदी धूप हो रही है यहाँ पे, तो थक हार के मैंने कैब करी और मैं बैठ गई. सो गाइस ये देखो यहाँ ट्रैफिक भी होता है, ये दिल्ली का एरिया लग रहा है साफ. वापस मैं आ चुकी हूँ, बहुत थक गई और पूरा टैनिंग के चक्कर में शर्ट पहन के रखी है मैंने. और अब मैं कुछ खाने का ढूंढ रही हूँ यहाँ पे कि मैं कहाँ खाऊँ, कुछ खाया नहीं है मैंने, बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी. पानी की बॉटल मेरी ख़त्म हो गई थी तो पानी लेने आ गई और अब जा रही ऊपर, मतलब नीचे ये ग्रॉसरी स्टोर तो ऊपर आ गई और बहुत बुरा हाल है. मेरा डोसा आ चुका है, बाहर मेरे को सारा नॉनवेज मिल रहा था इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है, तो अब मैं इसको खाने लगी हूँ. मैं ऊपर हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर, तो मेरे जस्ट जो गैलरी से नीचे दिख रहा था ना व्यू, मैं वहाँ पे आ गई हूँ यॉट के लिए. तो अकेले के अगर आप जाते हो तो 1 घंटे के आपको 350 दिरहम देने पड़ते हैं. अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. तो अब मैं बोट के पास जा रही हूँ, मेरी यॉट आ रही है और फिर चलते हैं. लाइटिंग वैसे ख़त्म हो चुकी है बट फिर भी ठीक है, थोड़ा टाइम मेरे को अपना
बिताना है, समझ नहीं आ रहा था कैसे बिताऊं, तो अब यही सही। ओह मी, ओह गॉड, देखने के लिए आई हूँ। इन्होंने बोला है कि अभी हम दिखा देते कैसी है। से पहले भी मैंने वैसे की हुई है गोवा में। आ रही है मेरी वाली, फिर हम चलते हैं। सही है वैसे, बहुत डर लग रहा है। दुबई में इतना सारा पानी कहाँ से आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बर्थ हो गया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बस क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं यहाँ आ गई। सामने का व्यू दिखाती हूँ आपको, आप लोग देखो कितना मस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट। ओए होए, सॉन्ग चल रहे थे इसलिए मैंने ना कुछ बोला नहीं था वीडियो में, बट बहुत सुंदर लग रहा है। फिलहाल मैं अपना टाइम जो है पर्सनल टाइम वो स्पेंड करना चाहती हूँ, फिर आपसे उतर के मिलूंगी। ये है दुबई मरीना मॉल। पानी में एक पिलर खड़ा है और ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी इन्होंने, अल्टीमेट। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर, खुल क्यों नहीं रहा। अरे थैंक यू, अब मैं उतर गई और मैं आ गई हूँ ब्ला ब्ला पे। मतलब मेरे को थोड़ा स्विमवेयर वगैरह देखना था तो यहाँ पे मैं आई हूँ, और मुझे कुछ पसंद आएगा तो लेके जाऊंगी। अंदर जाके वैसे भी मैं बोर हो जाती है, अभी 9 बज रहे हैं तो इसलिए आ गई। यहाँ पे सारे लोग वॉक करते हैं, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, तो इसलिए आ गई हूँ। गाइस ये देखो, बच्चों के लिए यहाँ पे कितनी प्यारी गाड़ी है, और इंडिया में कैसी होती है, टूनो नो 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 धूम मचाले। तो मैं आ गई हूँ अपना स्विम वेयर देखने एक जगह पे। गलती से क्या हुआ, कोई यहाँ पे मतलब ऑलरेडी कस्टमर आया था, उससे मैंने सोचा कि वो यहाँ पे वो करती है, बेचती है, और मैंने उसी से पूछ लिया। तो ये दो स्विम वेयर मैं ट्राई कर रही हूँ, एक माइकल कोर्स का है, एक प्यूमा का है, और देखती हूँ फिर कौन सा लेना है। गाइस ये है ट्रैम जो कि मेट्रो तक छोड़ता है यहाँ से, तो आपको यहाँ ना नॉर्मली ऐसे मेट्रो दिखेगी नहीं जाती, ये दिखेगा। इसमें जाते हैं बैठ के और ये मेट्रो तक आपको छोड़ देता है। देखो छोटा सा है, यहाँ से शुरू हुआ है वहाँ खत्म, बस से बड़ा है, मतलब 2-3 बस के बराबर है। शॉपिंग करके मैं घर आ चुकी हूँ, रात के 11:30 बज गए हैं, और जहाँ मैं दिन में गई थी वहाँ मुझे कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे मेन जो मिलता है वो ट्रेडिशनल ड्रेस टाइप की मिलती है, या फिर फोन वगैरह इस टाइप की, इलेक्ट्रॉनिक ये सब चीज़ें मिलती है, झूमर वगैरह, जो मैं घर तो ले जा नहीं सकती हूँ, तो मैं वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई। लोबान वगैरह ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी, बट मेन मुझे जो चाहिए था वो था स्विमवेयर, जो मुझे वहाँ नहीं मिला कुछ खास। और उसके अलावा मुझे चाहिए था मेरी फैमिली में गिफ्ट करने के लिए 2-4 चीज़ें, जो मुझे यहाँ पे JBR जो मैं गई थी अभी, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे शोरूम थे, मुझे बहुत कुछ पसंद आया था, बट मैं कुछ कुछ चीज़ें ही लेके आई हूँ जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक ड्रेस लेके आई हूँ, स्विम वेयर लेके आई हूँ, और गिफ्ट करने के लिए भी बहुत कुछ लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो गाइज ये सारे परफ्यूम्स हैं जो मैं अभी लेके आई हूँ गिफ्ट करने के लिए, बट इनमें से 3 परफ्यूम मेरे हैं, और उसके अलावा मैं ये 2 बैग लेके आई हूँ, जिसमें से एक बैग मेरी मम्मी का है, और एक मैं ये भी गिफ्ट करने के लिए ही लेके आई हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैंने ले लिया। सो ये सारे परफ्यूम आप देखो, बहुत एक से एक है, मैं सारे चेक करके लेके आई हूँ। और इसके अलावा मैं क्या लाई हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। 2 ड्रेस मैं लेके आई थी, जिसमें से ये ड्रेस बिल्कुल प्रिंसेस लुक देती है, वीडियो में आपको नहीं दिख रही होगी, पहनूंगी तब आप देखना। और ये मैं स्विम वेयर लेके आई हूँ, आप देख सकते हो माइकल कोर्स का है गाइस, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट कोई नहीं, इसका जो कलर है ना इतना सुंदर है कि सारा वर्थ है इसको लेने की, बहुत ही प्रिटी है। इसकी बैग देखो आप कितनी सुंदर है, बाकी मैं जब ये पहनूंगी तब आपको मेन पता चलेगा कि ये है कैसा। ये है मेरा आज का खाना, पनीर बटर मसाला विद रोटी, ये घर पे ही सेकी है।